बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू स्टडी ग्रुप। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ लेक्चरर इंग्लिश के मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चन जो है डिस्कस करूंगी। वीडियो को आखिर तक देखिएगा। चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो देखने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। क्वेश्चन नंबर वन है, विच काइंड ऑफ पोइम इज एडवर्ड लियो एसोसिएटेड विद? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी। क्वेश्चन नंबर टू है, इन कॉलग्रीज पोइम द राइम ऑफ द एंशियंट माइनर वेयर वर द थ्री गैलेंट्स गोइंग? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी। आगे क्वेश्चन नंबर थ्री देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री है, द सब्जुगेशन ऑफ वुमेन 1869 इज एन इम्पॉर्टेंट एक्ट ऑफ? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी। आगे क्वेश्चन नंबर फोर है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोइम्स बाय टेनिसन इज अ मोनोड्रामा? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी। क्वेश्चन नंबर फाइव है, हॉरल्ड निकल्सन डिस्क्राइब्ड विच पोइट एज वेरी येलो एंड ग्लेम परफेक्ट मैनर्स? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी। आगे क्वेश्चन नंबर सिक्स देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, विच पोइट इज कंसीडर्ड अ नेशनल हीरो इन ग्रीस? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी। क्वेश्चन नंबर सेवन है, द लाइन शी ड्वेल्स विद ब्यूटी ब्यूटी डेट मस्ट बी अकर्स इन किड्स? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी। आगे क्वेश्चन नंबर एट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर एट है, नेगेटिव कैपेबिलिटी टू किड्स मीन्स? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी। क्वेश्चन नंबर नाइन है, व्हाट वाज स्ट्रेंज अबाउट एमिली डिकिंसन? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए। आगे क्वेश्चन नंबर टेन है, आर्ट फॉर आर्ट सेक फाउंड इट्स ट्रू एडहेरेंट इन? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी। आगे क्वेश्चन नंबर अलेवन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, इट एज द बेस्ट ऑफ टाइम्स इट वाज द वर्स्ट ऑफ टाइम इट वाज द वर्स्ट द ओपनिंग ऑफ डिकन्स? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, अ टेल्स ऑफ टू सिटीज। क्वेश्चन नंबर 12 है, रॉबर्ट ब्रॉक रॉट हिज पोइट्री ड्यूरिंग विच कॉन्फ्लिक्ट? इसका करेक्ट ऑप्शन है डी। क्वेश्चन नंबर 13 है, द कैरेक्टर ऑफ लिटल नील इज अ क्रिएशन ऑफ? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, डिकन्स। आगे क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, आइडल्स ऑफ द किंग इज इलस्ट्रेशन ऑफ टेनिसन डीप इंटरेस्ट इन? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, द रोल ऑफ द किंग। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच पोइट लॉरिएट रॉट अबाउट अ चर्च माउस? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए। आगे क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, हु बिलीव डेट पोइट्री इज दिस स्पॉन्टेनियस आवर फ्लो ऑफ इमोशंस? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी। आगे क्वेश्चन नंबर 17 है, हु आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ अ पोइम अवोक एंड फाउंड हिमसेल्फ फेमस? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच अमेरिकन राइटर पब्लिश्ड अ ब्रेव एंड स्टार्टलिंग ट्रूथ इन 1996? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी। आगे क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, अ कंपैरिजन ऑफ अनलाइक थिंग्स विदाउट यूजिंग अ वर्ड ऑफ कंपैरिजन सच एज लाइक और एज? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए। क्वेश्चन नंबर 20 है, द इमेज ऑफ द फेमी फटेल डोमिनेट्स द पोइट्री ऑफ? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, किड्स। आगे क्वेश्चन नंबर 21 है, लिटिल टाइम इज अ करेक्टर इन हार्डीज? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी। आगे क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, विच इज द फेमस एलजी रिटन बाय शेली? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी। आगे क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, मॉरल चॉइस इज एवरीथिंग इन द वर्क्स ऑफ? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए। आगे क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इलस्ट्रेटिव ऑफ रस्किन्स इंटरेस्ट इन सोशल इकोनॉमी? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी। आगे क्वेश्चन नंबर 25 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोइट्स नेम द रोमांटिक पोइट एज द पाउंड पोइट? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए। क्वेश्चन नंबर 26 है, द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड कमेमोरेट्स? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी। आगे क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, द रेपिटेशन ऑफ बिगनिंग कॉन्सोनेंट साउंड्स? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी। आगे क्वेश्चन नंबर 28 है, The Elgin Marbles inspired kids to write? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी। क्वेश्चन नंबर 29 है, Would you tell Sir Dilo as a? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी। क्वेश्चन नंबर 30 है, Which one of the following poets was appointed poet laureate in the year 1813? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी। आगे क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, शेक्सपियर हैमलेट इज? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, अ ट्रेजेडी। आगे क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, अप्लाइंग ह्यूमन क्वालिटीज टू नॉन ह्यूमन थिंग्स? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए। आगे क्वेश्चन नंबर 33 है, अर्नेस्ट हेमिंग्वे हैज रिटन? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, ओल्ड मैन एंड द सी। क्वेश्चन नंबर 34 है, हु रॉट गुलिवर्स ट्रेवल्स? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी। आगे क्वेश्चन नंबर 35 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ड्रामाटिस्ट? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी। आगे क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 36 है, द रेपिटेशन ऑफ सिमिलर एंडिंग साउंड्स, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी। आगे क्वेश्चन नंबर 37 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्ले बाय शेक्सपियर, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, डॉक्टर फॉस्टर्स। आगे क्वेश्चन नंबर 38 है, ईएम फॉस्टर इज अ, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, नॉवलिस्ट। आगे क्वेश्चन नंबर 39 है, द पिकविक पेपर्स इज अ नॉवल बाय, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, चार्ल्स डिकेंस। आगे क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 है, अ पैटर्न ऑफ एक्सेंटेड एंड अनएक्सेंटेड सिलेबल्स इन लाइंस ऑफ पोइट्री, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी। आगे क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 है, हु रोट जेन आयर, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए। आगे क्वेश्चन नंबर 42 है, आफ्टर होम इज द एलिजबेथन एज नेम्ड, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए। आगे क्वेश्चन नंबर 43 है, व्हाट इज द नेम ऑफ वर्ड्सवर्थ लॉन्ग पोइम, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी। आगे क्वेश्चन नंबर 44 है, अ पोइम मॉर्निंग समवन्स डेथ इज कॉल्ड, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी। आगे क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 है, हु रोट अबाउट द आइटलिक इजली ऑफ इनिसफ्री, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी। आगे क्वेश्चन नंबर 46 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रेजेडी रिटन बाय शेक्सपियर, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी। आगे क्वेश्चन नंबर 47 है, हु रोट द सेकंड कमिंग, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी। आगे क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 है, व्हाट पीरियड इन इंग्लिश लिटरेचर इज कॉल्ड अगस्तन्स एज, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी। आगे क्वेश्चन नंबर 49 है, विच प्ले अमंग द फॉलोइंग प्लेज इज नॉट ब्लैंक वर्ड्स, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी। आगे क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 है, विच पोइम एंड्स आई शैल बट लव दी बेटर आफ्टर डेथ, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए। व्यूवर्स, आज की मेरी वीडियो कंप्लीट हो गई है, मैंने आपके साथ इंग्लिश लिटरेचर के मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, खुदा हाफिज़।